आज जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे की सिचुएशन यही है कि अब तक अधिराज और देवी का प्लस माइनस उस पर भरोसा करना, देवी को शगुनी मानना, वो सब होता रहता था। तब तक मासा कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेती थी। आज मारा खून वो दुश्मन के पेट में पल रहा है, जो मासा के लिए सबसे बड़ा जोल्ट है। मासा सहन नहीं कर पाएगी और इसके बेस पे ही पूरा ड्रामा अब शुरू होगा कि मासा नहीं चाहती कि मारा खून वो दुश्मन की बेटी के पेट में पले। अधिराज का मारा अपने थप्पड़ काफ़ी मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ, क्या कहना? अधिराज के लिए, मेरे लिए भी अधिराज को मारना, पर ये गुस्सा जिससे प्यार करते हैं उसके ऊपर ही निकाल सकते हैं। मैं देवी पे ये गुस्सा नहीं निकाल सकती क्योंकि वो मेरे लिए पराई है। मेरा अपना अधिराज है जिससे मेरे को आशाएं थी, जिस पर विश्वास था, भरोसा था, वो भरोसा आज मेरा टूटा है और वही गुस्सा। थैंक यू। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मासा को गुस्सा करना ना चाहिए था। फालतू में ऐसी सभी तरह हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों गुस्सा करना है? ऐसी प्यार मोहब्बत से जी लो ना यार। घर बसा बस रहा है बच्चे को, तुमको दिक्कत हो रही है। तो बस ठीक है, शीज गेटिंग एंग्री। आई डोंट नो व्हाई। गलत कुछ काम किया है उनके हिसाब से, उन्हें लगता है कि मैंने जो किया वो गलत है, उन्हें लगता है। बट मारे को लगता है जो बड़े किए वो सही है। अब मेरी नज़रों में मेरा काम किया वो सही है, उनकी नज़रों में उनका काम किया वो सही है। सो दैट्स इट। तो कहते ना कि खुद की नज़रों में सही होना बहुत ज़रूरी है। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, तो मैं अभी क्या ही सही करूँगा उनको जो भगवान से भी दुखी है। खुद ही प्रण लेती हैं, खुद ही प्रण वापस ले लेती है अपना। मुझसे ज़्यादा तो कन्फ्यूज करेक्टर मासा लगती है मेरे को। मेरे अपनी एक बात पर टिकती ना है, कभी ये करती, कभी वो करती, कभी वो करती है। बार बार कोई ना कोई नई गेम, नया खिलवाड़ करने की कोशिश करती है कि इस तरह बस बदला ले लो, बदला ले लो। पर बदले की भावना में बहुत सारे रिश्ते जो टूट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। तो मे भी ये शो के ज़रिए हम बाहर जो भी मैसेज छोड़ रहे हैं, जो भी चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि कभी बदले की भावना मन में रखना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया। तो वो कहते हैं ना कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश तभी रहेगा जब ज़िंदगी की किताब के पन्नों में जो दर्द की साई लगी हुई उसे फाड़ के फेंक दो, किताब मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। तो बदले की भावना में जी जी के आदमी अपने आप को भी परेशान करता है, अपने आसपास के रिश्तों को भी परेशान करता है। तो बस मासा वही कर रही है, कुछ नहीं कर रही। पति तो बेचारा ऐसे ही फंस जाता ना, हस्बैंड की लाइफ ही ऐसी होती है, हंस हंस के बैंड बजवाता अपना। तो बस हंस हंस के, हाँ मासा बैंड बज रहा है पता है, यहाँ से बीवी हाँ हंस हंस के बैंड बज रहा है पता है। अब क्या करें, जिम्मेवारी ले ली तो बस सैंडविच बन के इधर उधर घूमता रहेगा। और कुछ? थैंक यू।